लेट मी थिंक अ वेरी क्लियर, सबसे अच्छी बात तो यह है कि पबजी अगर बैन हुई है तो बहुत अच्छी बात है। पबजी एक चाइनीज ऐप थी, अगर हमने चाइना को ही बॉयकॉट कर दिया तो ऑब्वियसली हमें चाइनीज ऐप को भी बॉयकॉट करना चाहिए। अगर बैन किया गया लाइक सिक्योरिटी रीजंस तो आई थिंक इट इज वैलिड। मैं पबजी बंद होने से बहुत खुश हूँ, ये टाइम पास के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा था, ये अब बंद हो गया इससे बहुत दिक्कत हो रही है। और भी बहुत सारे गेम्स है, पबजी नहीं होगा तो कोई और होगा। नमस्कार, आप लोगों को पता ही है कि पूरे देश भर में चाइना के 118 ऐप्स हिंदुस्तान की सरकार ने बैन कर दिए, जिसमें पबजी भी शामिल है। अब ऐसे में पबजी को इस्तेमाल करने वाले, पबजी की खिलाफत करने वाले, पबजी को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान के लोगों का पबजी बैन पर क्या कुछ मानना है, ये हमने लोगों से खुद जानने की कोशिश की। आप भी देखिए इस वीडियो में कि हिंदुस्तान पबजी के बैन होने पर क्या बोलता है। अगर बैन किया गया लाइक सिक्योरिटी रीजंस तो आई थिंक इट इज़ वैलिड। दो यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है बट आई थिंक दे विल रिस्पेक्ट कि इंडिया की सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आई थिंक अगर वो रीज़न है तो यंगस्टर्स समझेंगे। देखो किसी भी चीज़ की हद तो नशे की तरह ही होती है, लाइक अगर पबजी गेम आप बहुत खेलेंगे तो वो बिल्कुल ड्रग की तरह एक्ट करता है। हाँ वो उसके इफेक्ट्स गलत थे बट गेम काफ़ी पॉपुलर इसीलिए क्योंकि वो अच्छा था। बट हर चीज़ के ना पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। उसने कुछ लोगों को करियर बनाने का ऑप्शन भी दिया, लाइक गेमर्स, बहुत सारे गेमर्स निकल के आए थे। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें थी उसकी। वेल पबजी अच्छा गेम था पहले बात तो, अगर आप सिर्फ एक टाइम पास के लिए अगर खेल रहे हैं तो एक सही गेम था। अगर आप 10 मिनट आधा घंटा खेल रहे हैं तो ठीक था, लेकिन अगर पूरे दिन आप उस पर लगे हुए हो तो वो गलत था। तो उसके लिए सही हुआ जो बैन लगा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह मिस हो रही थी। और बाकी गेम्स तो बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे गेम्स हैं, पबजी नहीं होगा तो कोई और होगा तो लोग और गेम खेलेंगे, पर गेम खेलना लोग छोड़ेंगे नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि स्ट्रेस बस्टर होता है। अगर बंदा थोड़ा जॉब से आया है, 5 मिनट वो रिलैक्स करना चाहता है तो गेम खेल सकता है। मैं भी गेम खेलता हूँ, लेकिन मुझे इतना एडिक्शन नहीं था पबजी का कि पूरे दिन लगा हुआ हूँ। 10 मिनट 5 मिनट खेल लिया बस ठीक है। पबजी एक चाइनीज़ ऐप थी, अगर हमने चाइना को ही बॉयकॉट कर दिया तो ऑब्वियसली हमें चाइनीज़ ऐप को भी बॉयकॉट करना चाहिए। जब वो हमारे फेवर में ही नहीं है तो हम उनकी इनकम क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारी ये जो लोग यूज़ कर रहे थे उनकी, इसलिए उनकी इनकम बढ़ रही थी तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, जो यूथ था वो बहुत ज़्यादा मतलब पबजी के पीछे बहुत ज़्यादा पागल था। जैसे टिकटॉक बैन हुआ थोड़े टाइम इफेक्ट पड़ा बट अब नॉर्मल है। इंस्टाग्राम ने न्यू फीचर्स निकाले, रील्स आई और बहुत सारी ऐप बनी, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा इनकम हुई, इंडियन ऐप्स बनी। ऐसे ही अब पबजी बैन हुआ है तो और भी बहुत सारी गेम्स हैं, अब पबजी की जगह और ज़्यादा आएंगे। अब COD है, कॉल ऑफ ड्यूटी और क्या कहते हैं, फ्री फायर, ऐसी बहुत सारे गेम्स हैं। तो पबजी बैन हुआ तो अच्छा ही हुआ। लेट मी थिंक अ वेरी क्लियर, सबसे अच्छी बात तो यह है कि पबजी अगर बैन हुई है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसका रीज़न ये है, स्टूडेंट पढ़ाई में बंद करने लगे हैं। मैं आपको खुद बताऊँ, मेरे घर में बच्चे हैं 3-4, वो तीनों चारों बच्चे पूरा दिन पबजी खेलते हैं। ठीक है, किसी भी काम को कहो एग्रेसिव इतने हो गए हैं। मेरी छोटी सी भतीजी है वो इतनी एग्रेसिव हो गई है कि पबजी के चाचू मेरी गेम चल रही है छोड़ो आप। तो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छी बात है अगर पबजी बैन हुआ है तो। एक्चुअल मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ठीक है भारत सरकार ने चोट पहुँचाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एप्लीकेशन बंद करने से, अगर आप इतनी सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन बंद कर दी हैं उससे उन्हें मतलब इकोनॉमी में या उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास चाइना से इंपोर्ट होती है। आप बैटरीज खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं वो मेड बाई कोरिया, मेड बाई चाइना है, उन चीज़ों पर पाबंदी क्यों नहीं है? चीज़ें तो सारी आपको भाई, आप पर्टिकुलर 8-10 ऐप करके या 100-150 ऐप बंद करने के बाद आप ये सोचें कि चाइना से हमने जंग जीत ली, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपको उसको करना है तो पहले तो अपने पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाए ना। मैं पबजी बंद होने से बहुत खुश हूँ। इससे मेन एक तो बच्चों का जो रात दिन इसके पीछे लगे रहते थे वो बंद हो गया, दूसरा थोड़ा चाइना को सबक मिल गया और उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा झटका है ये। और जो ये चाइना के 118 ऐप्स बंद करे उससे हम बहुत खुश हैं, और चाइना को थोड़ा बहुत सबक मिलेगा जो हमारी जवानों के साथ और सीमाओं पे अपनी गतिविधियां बढ़ा रखी हैं उसकी वजह से, उसके
सारे ऐप बंद होने चाहिए और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी शीघ्र बंद कर देने चाहिए। कुछ नहीं और बतरे काम है, सब उसमें हो जाएंगे दो चार दिन में अपना। जब पबजी नहीं था तब भी तो बच्चे वो करते ही थे, यहाँ किसी न किसी तरह इंजॉय करते थे। पबजी तो ये बीमारी की लत थी कि बच्चा एक दूसरे से बात करके राजी नहीं था, घर में किसी कोने में पड़ा हुआ किसी को आवाज़ दो तब नहीं सुनता था, पढ़ाई से बिल्कुल बेरुख था। उसको घर में आस पड़ोस में क्या हो रहा उसे कोई मतलब नहीं था। बहुत खुश है और भविष्य में भी और भी जो चाइनीज ऐप हैं उनको बंद करने से और ज़्यादा खुश होंगे। और सरकार का धन्यवाद करते हैं कि गलत ऐप जितने भी हैं सारों को बंद करें। सर हो गया, बाकी बस ये टाइम पास के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा था ये, अब बंद हो गया इससे बहुत दिक्कत हो रही है। मगर ये है चलो ठीक है, चाइना ऐप से तो वैसे भी होना चाहिए। चीन के जैसे हमारे यहाँ कोरोना वोना भी था जिसके कारण कहते पूरा देश हिंदुस्तान जो भी था सब परेशान थे, बट आज की डेट में यह है कि चलो ठीक है होना भी चाहिए वैसे बंद। चीन ऐप से तो ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा एक्चुअली बच्चों के लिए है, वो जो मैच्योर है उनके लिए नहीं है। अब तो गेम तो बहुत सारी है, क्या कहते हैं रेस कार है, लीडो है, इंडियन गेम थे सारे। जैसे मोदी जी ने कहा है ना कि तो लोकल को वोकल बनाओ, तो इस पर फोकस करना है, चीन ऐप सारा हटाना है। युवाओं में एक्चुअली काफ़ी चर्चित गेम थे, इट वॉज वेरी एडिक्टिव, बट मेरे हिसाब से और गेम है मार्केट में, कॉल ऑफ ड्यूटी करके है, अब लोग उसमें शिफ्ट करेंगे। अब गेम गेम है, गेम तो चलते रहेंगे। हाँ चाइनीज ऐप है वो ठीक है, अगर वो ऐसे गेम मार्केट में गेम बहुत सारे हैं, पबजी ऐसा नहीं, पबजी से भी एक वो गेम था। हाँ ठीक है, इट वॉज उसका गेम प्ले काफ़ी ईजी था, तो दैट्स वाई यू नो इट वॉज ईजली। पबजी गेम बंद हो गया, ऐसी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चाइनीज ऐप था बंद होना था, मोदी सरकार है, युवाओं का रुख था। मैं भी पबजी खेलता था, अब भी खेलता हूँ, अभी तो चल रहा है। वैसे जब कभी भारतीय रेल से मेरी ड्यूटी होती थी उसके बाद मैं पबजी खेल के टाइम पास निकालता था, अब नहीं खेलता पबजी। अब तो बस करते रहते इधर उधर घूमते रहते, कहीं आराम कर लिया, पहले आराम नहीं करते थे। हाँ अच्छी बात है बिल्कुल, और चाइनीज ऐप पे रोक लेनी चाहिए, चाइनीज बिल्कुल ख़त्म, मेक इन इंडिया होना चाहिए भारत। बहुत अच्छा है पबजी गेम बंद हो गया, हम तो 10 रुपये में भाई लीडो ला के लीडो खेलेंगे। नहीं चाइनीज ऐप सही नहीं थी, हम तो इंडिया में इंडिया ऐप चलाएंगे। घूस वो अपना सोचे, जो भी वो अपना सोचे, बैन होना जरूरी था। इसमें बच्चों को बहुत बच्चों का एडिक्शन हो गया था, बहुत बच्चों ने अपनी जान कमाई है पबजी के खाते। इंडिया ने अपनी एक गेम बनाई है फ्री फायर, बच्चों को पबजी के अलावा फ्री फायर खेलनी चाहिए। फ्री फायर के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे और वो इंडियन गेम है और वो बहुत अच्छी गेम है पबजी खेलने के लिए। पहले हमारे लिए देश है या फिर गेम्स, हमें पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए गेम्स के अलावा, और अगर गेम्स खेलनी भी है तो अपने देश की गेम्स खेलनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, बच्चों का समय जो है उसमें बहुत ज़्यादा गेम के वजह से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लंबा गेम चलता था और बच्चे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो चुके थे। बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। अब जैसे बच्चे बहुत ही बिगड़ रहे थे, मैं खुद बिगड़ रहा था, जैसे कि घर वाले बोलते खाना खा ले, मैं खाना नहीं खाता था, आधे आधे एक एक घंटे दो घंटे में पबजी में लगा रहता था। फिर वही सब्जी ठंडी हो जाती थी, रोटी ठंडी हो जाती थी, मम्मी गाली देती थी, मम्मी कहती थी खेल ले, नहीं अभी खेलूंगा, अभी 5 मिनट और मैं दोबारा पबजी खेलता हूँ। अब पबजी का चस्का ऐसा था कि अगर बंदा पबजी में खेलने लग गया तो पबजी फिर 2-3-4 गेम जितनी गेम होती हैं वो खेले चले जाता है, और फिर रुकता नहीं, ना खाने की पता रहती, ना जाने की, ना कहीं आने की। अब बोलते हैं घर वाले कुछ काम कर ले बेटा, तो कुछ काम में मन भी नहीं लगता कि मम्मी एक गया पबजी, तो पबजी बेकार है लड़कों के लिए। मैं न्यूज़ देखी थी, मुझे अफसोस हुआ, मैं उसे एज अ करियर अपना चूज़ करना चाहता था, क्योंकि मैं काफ़ी लोग से इंस्पायर हुआ था और मैं चाहता था कि अपना करियर बनाऊं, लेकिन अब बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। अफसोस होगा थोड़ा, खेलने का टाइम पास हो जाता था खेल के, थोड़ा सा उसके अल्टरनेटिव में कोई और गेम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात में जब आदमी ऑफिस से थक वगैरह के आता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, टाइम पास हो जाता था, मन को अच्छा लगता था खेल के, थोड़ा गैदरिंग हो जाती थी ऑनलाइन, दोस्तों से बात हो जाती थी उस पर। सिर्फ खेल का एक वो जरिया नहीं था, हम लोग कनेक्टेड भी रहते थे, जो दूर दूर मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री चले गए तो हम लोग उस पर बैठ के एक साथ खेलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, सारी बातें हो जाती थी हम लोग की खेलने के अलावा भी। तो थोड़ा सा अफसोस तो होगा कि अगर बैन हुआ हम लोग का।